फाइनली अब मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं। वो रहा मेरा घर सामने, और इधर ये काम चल रहा है और होते होते इतना इम्प्रूव हो गया है। नीचे बेसमेंट ऑलमोस्ट बन के तैयार है। धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है। सूरज कहाँ पर है? सूरज है 4 बज रहे हैं और इस वक्त सूरज इतनी ऊपर है। ये घर की दुकान ओपन हो गई क्योंकि तो भाई आ गया। भाई और पापा गए हुए थे, गांव से आए हैं। देखो पौधे, अब ये दिखा रहा था मैं फूलों वाले पौधे आ गए। इस टाइम देखते हैं कौन क्या कर रहा है। मम्मी अपना टीवी देख रही है। जय श्री राम मम्मी, टीवी देख रहे हो? तू सब चीजें ऑन दे, सुन दे, लेटेल का सबको बनाता रहता। इधर से आया हूँ मैं, उधर से नहीं आया। टीवी क्या चल रही है देखने वाले? मैं ही राजा, मैं ही मंत्री। इधर से ऐसे आया हूँ। अच्छा। तो मैं तो दिखी ना सारी। ऐसे कैसे दिख गई? इधर से दिखाया है, ऐसे दिखाया है। मूवी चल रही है मैं ही राजा मैं ही मंत्री। ये तो वो है ना, तो वो है भल्ला है, तो भल्लाल देव है। तो चलो ठीक है ना, कोको दुकान पे बैठा है। अच्छा, जय श्री राम पापा जी। कहाँ जा रहे हो आप? परले घर पे कौन आ गया क्या कोई? हेलो, क्या कर रहे हो? दूध पत्ती बना रहे हो? ठीक है, मैं तो थोड़ी देर लेट लूं, कमर सीधी कर लूं, फिर पीऊंगा आधा कप। ठीक है। सो मैंने आकर के हाथ मुंह धो लिए हैं, अब मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूं 10 मिनट, उसके बाद दूध पत्ती पी लेंगे आधा कप। मैंने छोड़ दिया, सुबह से नहीं पी, सिर्फ 3 घूंट पीती, 3-4 घूंट सुबह से। और मेरी हेल्थ मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, आज मेरा पुशअप्स करने का भी मन कर रहा है। बीच में 1-2 दिन का गैप फिर लग गया, पुशअप्स करूँगा मैं आज। और मुझे मतलब मैं हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ आपको, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन होने को आ गए हैं, 5 दिन तो हो गए होंगे, 5 दिन हो गए हैं पूरे मुझे दूध पत्ती पिए, चाय पिए, मतलब आधा कप पीता हूँ शाम के टाइम, और सुबह के टाइम बस 3-4 घूंट पी के जाता हूँ, गिनती की 3-4 घूंट। और इतने में ही इस टाइम पे मैं उतना एग्जॉस्ट महसूस नहीं कर रहा अब जितना अब कर रहा हूँ, पहले करता था जितना, अब उतना एग्जॉस्ट महसूस नहीं कर रहा। और 10 मिनट कमर सीधी करने के बाद भी मैं काम कर सकता हूँ, मतलब 2-4 महीने होने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा और अच्छा हो जाएगा हेल्थ। मुझे कितना अच्छा लग रहा है सोच के कि मेरी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। अभी कितनी अच्छी हो गई है पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में, बहुत अच्छी है मेरी हेल्थ इस वक्त। और मुझे सोच के इतनी खुशी होती है कि अगर मैं शाम को टाइम से खा लूँ 7 बजे और पूरी रात नहीं खाऊं और फिर सुबह ही खाऊं, यानी अंधेरे में, जो बोलते हैं ना कि अंधेरे में नहीं खाना चाहिए, रात के टाइम नहीं खाना चाहिए, और खाओ तो रात के टाइम हल्का खाना चाहिए, लिक्विड खाना चाहिए, दूध पी के सोना चाहिए, और शाम को 7 बजे संध्या काल से में कर लेना चाहिए भोजन, रात्रि में नहीं करना चाहिए, 7 बजे तक ठीक है खा लेना चाहिए, 7 बजे खाऊंगा मैं, और फिर एक दिन मंगलवार का व्रत भी रखूंगा। इस बार का रह गया थोड़ा सा, लेकिन अगले मंगलवार से मैं ज़रूर व्रत रखूंगा, हफ्ते में 1 दिन उपवास हो जाएगा, तो मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। और फिर एक्सरसाइज में रेगुलर रखूंगा तो कितनी अच्छी हो जाएगी हेल्थ मेरी, सोच के एक्साइटमेंट होते, खुशी होती है। सो एक तो ये थी बात, और पुशअप्स करेंगे थोड़ी देर बाद लेटने के बाद। मैं ये दिखा रहा था
फैन फाइनली फैन चल गया है फुल स्पीड में, गर्मी आ गई, हैप्पी गर्मी। बाहर चल के देखते हैं दुकान में, आज दूध पत्ती के लिए खुद ही उठना पड़ा क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना हिमा को कि दूध पत्ती दो। फूड सप्लाई वाला बिजनेस स्टार्ट कर लें? करूंगी मैं तो, कोई करे ना करे। ये देखो आपका मम्मी रिटायरमेंट प्लान मैं बताता हूँ, या तो प्ले स्कूल ओपन कर लेंगे, ठीक, या फिर आप और हेमा मिल करके प्ले स्कूल ओपन करना, या आप और हेमा मिल करके फूड सप्लाई वाला टिफिन सिस्टम स्टार्ट करना, ठीक, कैसा रहेगा? बढ़िया बढ़िया, कैसा रहेगा? साथ में एक दो नौकर चाकर भी रख दिया, रखने पड़ेंगे तभी तो बनेगी बात, क्योंकि उन टिफिन्स को हम तो सिर्फ सुपरविजन करेंगे और काउंटर करेंगे। हाँ ये ठीक है, तसल्ली दे दिए, ठीक है मिल जाएगी, काम बढ़ा देंगे हम। तो काम बढ़ेगा, हाँ तो काम बढ़ने के बाद फिर सैलरी पे रहोगे। काम बढ़ जाएगा और फैल जाएगा ना, तब भी सैलरी पे रहोगे, सैलरी भी बढ़ेगी साथ में, इंक्रीमेंट में देगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लेकिन ठीक है बोनस वोनस सब चीज मिलेगी। हाँ सही बात है, काट पीट के मेरे हाथ में कितना आएगा ये तो पता नहीं। चलो बढ़िया है, करेंगे इन दोनों में से कोई एक चीज प्लान करेंगे, या तो प्ले स्कूल का करेंगे या फिर टिफिन वाला करेंगे। आप रिटायर हो जाओ जल्दी से। मैं तो सोच लिया था आलू की बोरी मंगवा लो, स्नैक्स ही स्नैक्स, बस आलू के जैसे हम चिप्स बनाते हैं ना, ऐसे चिप्स को मोटे मोटे काट के और स्टार्टिंग कर।